सो है फ्रेंड, आज हम सीखेंगे इस ब्लाउज की स्लीव डिजाइन जो काफ़ी खूबसूरत है, अम्ब्रेला वाली डिजाइन। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमें आधा मीटर कपड़े की जरूरत होती है। तो पहले मैंने इसको डबल फोल्ड कर दिया, फिर इसके बाद से एक और फोल्ड किया और इसके बाद से एक और फोल्ड किया। ये 8 फोल्ड हो चुका था। दोनों स्लीव की मैं साथ में कटिंग कर रही हूँ, तो चेक कर लेना है कि मेरे पास दोनों फोल्डेड साइज होना चाहिए। और इसके बाद से मैंने यहाँ पे 10 इंच का निशान लगाते हुए पूरा गोलाई में अच्छे से निशान लगा लिया। और निशान लगाने के बाद इसके बाद से कटिंग कर दी, और कटिंग करने के बाद खोलने के बाद कुछ ऐसे आ रखा था। उसके बाद से फिर से डबल फोल्ड किया और बीचों बीच एक निशान लगा के अच्छे से लाइन खींच के लिया। उसके बाद से मैंने ब्लाउज लिया, तो ब्लाउज को फिटिंग के बाद लेना। उसके बाद उसकी आर्मोल चेक कर लेनी है। तो हमारे पास ये 9 इंच की आई थी, और जहाँ से मैंने बीचों बीच निशान लगाया था बिल्कुल वहीं से लेके चलना है। तो पहले 9 इंच का आधा करना है, हमारे पास आया 4.5। उसके बाद 1/2 इंच प्लस करना है, तो हमारे पास आ गया 5 इंच। उसके बाद 5 इंच का निशान लगा के उसका आधा कर देना है, 2.5 इंच। और 2.5 इंच आने के बाद से देख सकते हैं मैं कैसे निशान लगा रही हूँ, वैसे ही बिल्कुल अच्छे से गोलाई की निशान हमें लगा देनी है। और निशान लगाने के बाद से उसके बाद हमें कट कर उसको पहले चेक कर लेना है काटने से पहले। तो हमारे पास ये 9 इंच आ रखा था, उसके बाद इसे कटिंग कर देना है। और काटने के बाद से फिर नीचे हमें एक यहाँ पे छोटा सा कट मार देना है, और ऊपर भी एक साइड छोटा सा एक कट मार देना है। इसके बाद ये हमारा बिल्कुल हो चुका है। इसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जो ज़्यादा लंबा वाला साइड है उसको ऊपर रखना है, जो छोटा वाला पार्ट है उसको नीचे रखना है। और ब्लाउज ले लेना है, और ब्लाउज के आर्म होल में बिल्कुल ऐसे ही छोटे वाले पार्ट को नीचे अटैच करना है, जैसे कि देख सकते हैं। और जो बड़ा वाला पार्ट है उसको ऊपर कंधे के साइड अटैच करके बिल्कुल अच्छे से अटैच कर देना है। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि कैसा लगा।